दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम दोबारा से आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने बनाया था अपना बढ़िया सा ट्रेडिंग हॉल, जो कि मैंने अब और अच्छा बना दिया है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और इसमें बहुत सारे बेड्स भी लगा दिए मैंने, जो कि बहुत मस्त लग रहा है। अंदर से भी इतना प्यारा हो गया ये। आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं डायमंड्स माइन करने के लिए, जिससे कि हमारे डायमंड आर्मर के लिए सफिशियंट डायमंड्स हो जाए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डायमंड आर्मर के लिए 22 डायमंड्स हैं और 24 चाहिए होते हैं, दो कम पड़ रहे थे। ठीक है, और फिर हमें अपने डायमंड्स के टूल्स भी बनाने हैं, उसके लिए भी चाहिएगा। तो गाइस, जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर दो। आपने पिछली वीडियो का लाइक टारगेट पूरा कर दिया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारा प्यार दिखाया आपने पिछली वीडियो पर। जल्दी से आगे वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 20 लाइक्स। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें जल्दी से जल्दी 1.5 के सब्सक्राइबर्स पहुंचना है, उसके लिए मुश्किल से कुल 50 to 60 सब्सक्राइबर्स रहते हैं। जल्दी जल्दी पहुँचा दो गाइस 1.5 के सब्सक्राइबर्स पे। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आओ गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अपना ये ट्रेडिंग हॉल, जो कि मैंने बहुत अच्छा बना दिया है। देखो, पहले तो मैंने ये आगे डिटेल्स के लिए मैंने इसमें पूरे में स्टोन ब्रिक्स लगा दी हैं, जो कि अब बहुत अच्छी लग रही है। पहले वो मिक्सअप हो रहा था बिल्कुल, अब अंदर चलेंगे तो देखो गाइस बिल्कुल किंग एंट्री टाइप्स। पहले गेट ऑन कर देते हैं। ये तो गाइस कारपेट लगाया मैंने एकदम रेड और वाइट, एकदम बढ़िया लगे, पूरा मस्त लग रहा है ये देखो। और ऊपर लगा दी मैंने लैंटर्न चेन के साथ, और सबके घर में सबके रूम्स में जो बेड्स लगा दी मैंने रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में, मस्त लग रहे हैं, जो कि ऐसे करके सब में लगा दिए हैं। देखो ये देखो, सब में बेड्स लगा दिए मैंने पूरे के सबके सब में। चलो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा ट्रेडिंग हॉल का न्यू लुक, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। चलो गाइस, आज हमें जाना है डायमंड्स की माइनिंग करने के लिए, जैसे कि अभी मैंने बताया। और उसके लिए हमें जाना होता है 53 to 54, माइनस के 54 की हाइट पे, क्योंकि अब 1.21 में डायमंड्स उसी लेवल पे मिलते हैं। पहले तो 16 लेवल पे मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं मिलते। अब -54 या -53 पे हमें माइनिंग करनी पड़ती है, तभी डायमंड्स मिलते हैं। उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा बिल्कुल नीचे, और वो नीचे जाने के लिए सबसे बेटर जगह है अपने पास जो अपना XP फार्म है। वो यहाँ आवाज़ आई ना किसी की, होंगे ज़ॉम्बी वगैरह होंगे। यहाँ तो आने से रहे, क्योंकि यहाँ तो मैंने मस्त लाइट लगा रखी है। तो गाइस, हमें XP फार्म में बढ़िया तरीके से नीचे जा कर के, XP फार्म भी हमारा बिल्कुल माइनस लेवल पे ही है, तो उससे हमें थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा डायमंड्स माइनिंग करने के लिए, और बेस्ट रहेगा ये। हमें यहाँ पर भी बहुत डायमंड्स मिले हैं, बट ज़्यादा भी नहीं मिले, 22 मिले थे हमें, और चाहिएंगे हमें, और जो कि नीचे जाकर ही मिल सकते हैं। चलो गाइस नीचे चलते हैं। ये देखो, ये आ गए अपन -28 पे, हमें जाना है -54 पे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बनाते हैं। देखो यहाँ पे से अगर अपन ऊपर से देखेंगे, क्राउच करके देखते हैं, देखो यहाँ बिल्कुल बॉर्डर है ये। हम इसको साइड से बनाते हुए चलते हैं केव टाइप्स, ठीक है ना, नीचे इधर से चलते हैं, इधर से। चलो चलते हैं नीचे, स्टेयर केस बनाते हुए चलेंगे। चलो जल्दी जल्दी नीचे पहुंचते हैं 54 लेवल पे, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं -54 लेवल पे। अब इसको एक अपन बड़ा रूम बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, जिससे अपन को इजी पड़ेगा। एक टॉर्च ला देता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे से हम करेंगे स्ट्रिप माइनिंग पूरी। थोड़ा बड़ा रूम बना लेते हैं यहाँ से अपने लिए। सोचूंगा इसके लकी रहेगा कि हम ऐसी रूम बनाते हैं उसमें ही डायमंड मिल जाए हमें। जनरली ऐसे मिलता नहीं है, बट क्या पता मिल जाए। सच में यार गाइस, ये डायमंड पे जो मस्त चलती है ना, थोड़ा बड़ा रूम बनाता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस आई थिंक इतना बड़ा रूम अपने लिए सफिशेंट है, इतनी ज़्यादा बड़ी भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, इसको स्ट्रेट स्ट्रेट डिग करते हुए चलते हैं, देखते हैं डायमंड मिलते हैं या नहीं। ठीक है, पहले इधर चलते हैं अपन, टॉर्च लगाते हैं। गाइस डायमंड तो मिला नहीं, रेड स्टोन मिला है। चलो रेड स्टोन ही निकालते हैं तब तक, पहले काश इसके आसपास डायमंड मिल जाए।
नहीं मिलेगा, इतना इजीली मिल रहा होता क्या दिक्कत थी। थोड़ा और तोड़ करके देखते हैं आगे। Many hours later. ओह तो गाइस, बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद फाइनली एक डायमंड का ओर दिखा है। अब पहले इसको पूरा खाली करते हैं, देखते हैं इसमें कितने हैं। इतनी से तोड़ेंगे, आसपास का थोड़ा खाली करता हूँ और देखते हैं इसमें कितने हैं डायमंड के। और मुझे क्यों लग रहा है ये एक ही है। प्लीज़ नहीं यार, एक से ज़्यादा हो तो अच्छा है। नहीं है, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा है। बहुत देर तक, कम से कम यार गाइस ऑलमोस्ट आधा घंटा माइनिंग करने के बाद मुझे ये दिखाता, अब जा करके वो भी। यही है शायद, हाँ दो ही हैं, दो ही और हैं शायद से। हाँ शायद दो ही हैं, मेरा कम से कम तीन चार की तो अगर होती ना तो बिल्कुल अपना एक ही बार में काम हो जाता। चलो देखो, ये दो और की निकली है अपने पास ना, इनमें थोड़ा सा ये निकली है दो की वेन, एक इधर है एक इधर है। चलो तोड़ के देखते हैं इसमें से कितने डायमंड्स मिलते हैं अपने को। ये थोड़ा दो तीन चार, क्या बात है। इसमें से कितने मिले, इसमें से एक ही मिला यार, ये तो गलत है ना। इसमें से ही मिल जाते तो मज़ा आ जाता। एक में से चार, एक में से एक। चलो कोई बात नहीं, आगे शुरू करते हैं फिर से माइनिंग। दो तीन पिकेक्स तो मैं अपनी तोड़ चुका हूँ आयरन की, मैं जानबूझ करके डायमंड की पिकेक्स यूज़ नहीं कर रहा, नहीं तो उसकी एचपी कम हो जाएगी, फिर मुझे उसको रिकवर करने जाना पड़ेगा। रेडस्टोन अगेन, इस लेवल को रेडस्टोन बहुत मिल रहा है, इसे भी लेते ही चलते हैं, जिससे अपने पिकेक्स की एचपी बढ़ती चलेगी साथ साथ और काम भी आएगा ही आगे रेडस्टोन अपने ना। गैस ग्रेवल दिखी है, और ये होता है कि हमेशा ही जब भी ग्रेवल दिखे तो ग्रेवल की पूरा तोड़ दो, बिल्कुल आसपास खोद दो, क्योंकि उसके आसपास डायमंड्स हो सकते हैं। लैपिस और रेडस्टोन दिखा है, डायमंड तो दिखा नहीं है फिलहाल मुझे, बट नॉर्मली देखा है मैंने लोगों की वीडियोस में कि जहाँ पर भी ग्रेवल होता है वहाँ पर आसपास डायमंड्स निकल आता है। पूरा तोड़ते हैं इसे, शायद निकला है हमारे भी लक में वो। नहीं मिला गाइस, डायमंड एक भी नहीं मिला, लैपिस और यही मिला है रेडस्टोन। चलो इसे ही निकाल लेते हैं। ओहो कितना लैपिस हो गया, ये एक स्टैक से ज़्यादा हो गया ये मेरे ख्याल से। लेते हैं, देखते हैं कितना हुआ। देखो ओहो डेढ़ स्टैक हो गया गाइस इतने में ही। चलो आगे तोड़ते हैं, और ओह गाइस एक और, और ये थोड़ी बड़ी वेन है। मैं यार इतनी देर से गुस्सा आ रही थी मुझे, बट अब लगातार मिलते जा रहे हैं अपने को। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया। ओ गाइस ये थोड़ी बड़ी वेन है, ये गारंटेड चार से ज़्यादा की वेन होगी, चार तो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे ही। रुको एक मिनट, उसे पूरा तोड़ते हैं जल्दी जल्दी।
बहुत सही यार, बस कैसे भी डायमंड नहीं तोड़ना है, क्योंकि डायमंड हम तोड़ेंगे फॉर्चुनली पिकेक्स से। थोड़ा सा इसे बड़ा करते रू, और ये आई थिंक मेरी अभी तक की बड़ी सबसे बड़ी वेन है ये। इतनी बड़ी वेन नहीं मिली मेरे को, हाँ एक मिली थी जब हमने माइनशाफ्ट में मिली थी हमें एक, वो सबसे बड़ी वेन मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट हमें यही बड़ी वेन है, और अभी तो देखते हैं कितनी बड़ी और है। रेड स्टोन तो यहाँ पे है ही है, इसे भी निकाल लेते हैं। ओह गाइस नीचे एक और है भाई, लक यार क्या लक है गाइस, आज तो बढ़िया गाइस बढ़िया। को तोड़ते हैं, अपने पास है ये 1 2 3 4 5 6 की वेन, इसके नीचे और तो कुछ होगा नहीं। इतनी अब तो नहीं होगा नीचे, हाँ अब नहीं है नीचे, इतना ही था। ठीक है अब एक काम करते हैं गाइस, मैं ज़रा ऊपर चलता हूँ, एक अच्छा सा काम करते हैं। पहले मेरे दिमाग में कुछ आया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी लगाओ और मुझे मेंशन करो। जिसकी भी स्टोरी सबसे बढ़िया होगी, जिसकी भी सबसे मस्त गाना लगाया होगा, उसको मैं अपनी इंस्टाग्राम पर ज़रूर रिपोस्ट करूँगा। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और गाइस अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो गाइस, हमें जल्द आज भी 20 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है। चलो जल्दी से ना तोड़ते हैं अब। चलो अब ये समय है अपना इनको तोड़ने का, अपने पास है 5 डायमंड्स ठीक है, और ये 6 ओर्स हैं, अभी ना तोड़ते हैं अपन। ओ भाई 18 हो चुके हैं, 19, और ये आखिरी इससे भी एक मिला यार, 20 डायमंड्स हो गए लेकिन अपने पास ना। गैस 20 डायमंड्स अपने पास हो चुके हैं, सोचो 22 अपने पास पड़े हुए हैं और 20 हो चुके हैं। और ये देखो पिकेक्स भी रिपेयर हो गई यार अपने आप ही, बहुत सही। अपने पास अभी 22 वहाँ घर पर पड़े हुए हैं और 20 ये हो चुके हैं, अपने पास 42 डायमंड्स हो चुके हैं गाइस। आई थिंक इतने तो चाहिए भी नहीं होते हैं उससे बनाने के लिए। चलो जल्दी जल्दी थोड़ा सा और करके देखते हैं, अगर एक एक दो बार और मिलती है 2 3 और की फिर चलते हैं बस, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे थोड़ा सा और। मज़ा आ रहा है डायमंड्स तोड़ने में, क्योंकि अब उस हिसाब से डायमंड्स मिल रहे हैं इसलिए मज़ा भी आ रहा है अब डायमंड्स तोड़ने में ना। पहले बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मिल ही नहीं रहे थे डायमंड्स ना, और अब मिल रहे हैं। तो गाइस अगेन थोड़ा और तोड़ते हैं आर्मर, पहले सबसे पहले तो वो जैसे मैंने फ़ोटो के लिए उतारा था। चलो अगेन थोड़ा और तोड़ते हैं, ये तो यार लकीस्ट लाइन अपनी स्ट्रिप थी माइनिंग के लिए, यहाँ पे इतने सारे डायमंड्स मिल गए अपने को। मैं सोच रहा हूँ अगर सोचो इतने डायमंड्स मिल जाए हमें कि हम इसी जो आज के डायमंड्स हैं उन्हीं से हम सिर्फ अपना आर्मर बना दें, सोचो गाइस कितना मस्त होगा। जल्दी जल्दी तोड़ते हैं गाइस, अगेन डायमंड्स, बस ये लास्ट अपन डायमंड्स तोड़ेंगे, इसमें जितने ही मिलते हैं उतने ही देंगे बस लास्ट, फिर उसके बाद घर चलेंगे अपन। आई थिंक इतने इनफ रहेंगे अपने लिए ना। बहुत सही गाइस, मैं इसीलिए इसी में तोड़ रहा था क्योंकि इसमें मेरे को 2 बार मिल चुके थे, तो मेरे को लगा कि शायद इसमें और मिल जाएंगे, इसीलिए मैं इसी में तोड़ रहा था। जल्दी से थोड़ा सा खाली करते हैं और देखते हैं इसमें कितने हैं। चलो ये 4 की वेन है, अपन देखते हैं अपने पास है 20 डायमंड्स, अब इसे तोड़ते हैं। 2 इससे मिल, एक ही मिला नहीं, ये मेरे ना 24 गाइस आर्मर के लिए हो गए अपने पास। और योर लो गाइस, अपने पास 2 आर्मर के लिए हो चुके डायमंड्स लिटरली यार, ये बहुत सही अपन ने बनाई है। मेरा डिसीजन यही था इसलिए कि माइनशाफ्ट जो है जहाँ पे हमारा एक्सपी फार्म है
वहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो वैसे ही बहुत माइनस में ही है वो एकदम, उसी से कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा पहले अपन, नहीं तो दूसरी माइन में जाते तो पहले अपने को बिल्कुल नीचे तक जाना पड़ता तब तो अपन कंटिन्यू कर पाते। और ये मेरा बेस्ट डिसीजन था यार। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही जल्दी से आके वीडियो को लाइक कर दो यार, हमें जल्दी से जल्दी वन, और सब्सक्राइब भी कर देना, हमें जल्दी से जल्दी 1.5 के सब्सक्राइबर्स पे पहुंचना है। ओनली 50-60 सब्सक्राइबर्स रहते हैं उसके लिए, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। गाइस आपको ही पता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है माइनिंग्स वगैरह की वीडियो में, क्योंकि माइन करते रहो पता नहीं कब मिले। अपने भाई को सपोर्ट करो गाइस। चलो गाइस चलते हैं अब घर, और आप लोग जल्दी से वीडियो लाइक करो और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं सोच रहा था अगर आज ही अपन डायमंड आर्मर अपना एन्चांट भी कर दें तो बहुत सही नहीं हो जाएगा ये? मैंने देखो ये पूरी तोड़ दी थी ये, फिर इसमें अलग अलग लाइन्स बनाई इसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये वाली बहुत लकी थी। चलो अब एक काम करते हैं, अपने पास बहुत सारा सामान हो जाएगा तो अपन ना इसके रेडस्टोन के ब्लॉक्स बना लेते हैं अब, ठीक है। चलो गाइस ऊपर चलते हैं अब। इसे मैं इस माइन को ना अपना थोड़ा बढ़िया सा माइन बना दूंगा, इससे हमें डायमंड जब भी चाहिए होंगे तो हम यहीं से माइन कर दिया करेंगे। ये अपन आ गए ऊपर, बस इधर से अपने को इधर आना है और ये ऊपर आ गए। बेस्ट थी ना ये माइन एकदम। वैसे मैं गाइस सोच रहा था अपनी एक्सपी बढ़ा करके चले, है ना, क्योंकि अपने को आर्मर भी आज ही एन्चांट करना है अपना ना, तो अपने को एक्सपी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो जल्दी से एक्सपी बढ़ा देते हैं पहले, तब चलेंगे अपन ऊपर एक बार में। गाइस फाइनली अपने यहाँ पे आ चुके हैं अपन। चलो जल्दी जल्दी से मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से 5 मिनट में। तो गाइस बस 36 अपना लेवल होने वाला है और मैं 36 करके ही जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि जितना ज़्यादा जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है उतना उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको बढ़ने के लिए, है ना। जैसे अगर मैं करने बैठूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए जैसे ही हमारा थोड़ा कम होगा फिर हम थोड़ा बढ़ाने आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं अपना, आराम से जल्दी जल्दी आ जाएंगे अपन। चलो 36 हो गया है, सोड़ियाँ लगाते हैं इसको, फिर से इसी में रख देते हैं। देखो कितना सारा स्पाइडर ही बहुत हो गया है, भूल तो यहाँ से इसीलिए स्ट्रिंग तो इसलिए कम हो गया है यहाँ से, क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया था अपने ट्रेडिंग हॉल में बेड्स बनाने के लिए। सो सकते हैं पहले, चलो सोते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट डे अपने घर पर वापस। चलो बेड लेते हैं, इस फाइनली अपन लोग सक्सीड हुए अपनी डायमंड्स की खोज पे। चलो जल्दी से अपना सुबह का नाश्ता करते हैं, चलते हैं ऊपर, बना चुके हैं ऊपर, जल्दी चलना है अपने को घर पे। और ये अच्छा है अपना कि ट्रेडिंग हॉल और अपना एक्सपी वहाँ बिल्कुल पास ही है, जिसकी ये देखो ये रहा, ये अपना अपन वहाँ से निकल करके आए अभी अपने एक्सपी फार्म से, क्योंकि ज़ॉम्बी मरे हुए हैं यार। और ये अपना आगे यहाँ पे मैं पूरा इसको एक लेवल में कर दूंगा वैसे तो। और ये अपना आगे ट्रेडिंग हॉल कितना पास है, नॉर्मल है बिल्कुल, बहुत पास लिटरली वैसे। चलो जल्दी चलते हैं अपने घर पे। पोटैटो यार बेस्ट फूड है अपने लिए ना, दो उसने दो हंगर उसने एक पोटैटो में ही बढ़ा दिया। एक हमें पोटैटो फार्म भी बनाना है अपने लिए ना, जिससे कि पोटैटो का अपना सही हो जाएगा, ब्रेड से इतना जल्दी नहीं बढ़ता। और वीट देखो बहुत टाइम लग रहा है यार बढ़ने में। और देखो मैं आपको ये चीज़ दिखाना ही भूल गया, मैंने यहाँ पर ये लगा दिया कंपोस्टर, उसमें हॉपर्स चेस्ट सेम नीचे भी लगा दिया है, जैसे कि जो अपना सीड्स रहता है वो वेस्ट जाता है, तो सीड्स में डालो
वो कंपोस्टर से कंपोज होगा और नीचे बोरमिल बनकर आ जाएगा, और जो वीट रहता है वीट अपन इसमें डाल देते हैं। ये बहुत सही चीज़ है। यहाँ पर यार इतनी सारी हनीबीज हो गई हैं, ये देखो पूरे में घूमती रहती हैं वो। चलो जल्दी जल्दी, सबसे पहले तो अपना इन्वेंट्री खाली करते हैं ऊपर, फिर अपना आर्मर बनाते हैं, उसके बाद लैपिस तो नीचे जाएगा अपना, ठीक है ना। चलो नीचे अपन चलते हैं, नीचे ही अपना पूरा नया आर्मर बनाएंगे। यस, यहाँ आ गए, क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं, ठीक है। यहाँ बनाते हैं अपना न्यू डायमंड आर्मर। एक मिनट, थोड़े से डायमंड्स और चाहिएंगे हमें, जिसकी हमें उसकी सॉल्ट बनानी है हमें, ठीक है। हमें सिर्फ कितने चाहिए, हमें ओनली 1 डायमंड, इससे हमारी सॉल्ट एक्स और पूरा डायमंड का आर्मर बन जाएगा। शवल अभी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि शवल की ज़रूरत नहीं है ना, हो की ज़रूरत है अपने को, ठीक है। चलो अब बनाते हैं जल्दी से अपना डायमंड का आर्मर। सबसे पहले बनाते हैं अपना हेलमेट, या अपना हेलमेट, एक मिनट इसको करते हैं। यहाँ पे बेड इधर, डायमंड इधर, ठीक है। हेलमेट आ गया अपना, उसके बाद अपनी आएगी चेस्ट प्लेट, देन लेगिंग्स, देन बूट्स। अपना पूरा डायमंड आर्मर बन चुका है, और उसके बाद हमें बनानी है सॉर्ड और एक्स, तो उसके लिए स्टिक्स लगेंगी। स्टिक्स बनाते हैं, एक आएगी हमारी डायमंड की सॉर्ड, सॉर्ड को सेक्शन कर देते हैं, और एक आएगी हमारी डायमंड की एक्स। यस गाइस, डायमंड की एक्स भी आ चुकी है हमारी। ये देखो गाइस, हमारा पूरा डायमंड का आर्मर, डायमंड की सॉर्ड, सब कुछ। अब जल्दी जल्दी से इसको एन्चांट करते हैं, ठीक है। लैपिस अपने पास पड़ा ही है, बहुत सारा है। ये देखो और भी ले आए हम, ये तो था ही, और भी ले आए। चलो सबसे पहले अपनी सॉर्ड एन्चांट करते हैं। सॉर्ड में क्या मिल रहा है हमें, फायर एस्पेक्ट 1 मिल रहा है यार, 2 आई थिंक ओपी होता है ना। एक्स में देखते हैं एक्स में क्या मिल रहा है, शार्पनेस 3, सिल्क टच। यार अच्छी एन्चांटमेंट्स क्यों नहीं मिल रही हैं, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन 2, यार अच्छी एन्चांटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। फायर प्रॉट इसमें, अरे गिरी गई, फेंकना नहीं है, डायमंड्स का है। फायर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन 1, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, यार कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है इसमें। फेदर फॉलिंग भी 3 मिल रही है, फेदर फॉलिंग 4 मेरे उसमें है, अपने डायमंड आयरन के आर्मर में। यार कुछ अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसमें दे रहा है ये फायर एस्पेक्ट 1, इसमें दे रहा है शार्पनेस 3, एक्स में शार्पनेस 3 लेके देखते हैं, इसके साथ देखते हैं और कुछ मिलता है कि नहीं। शार्पनेस 3 और एफिशिएंसी 3 मिली है। चलो इसको हटाओ, सॉर्ड रख के देखते हैं अब कुछ चेंज हुआ तो। इसमें भी शार्पनेस 3 मिल रही है, बूट्स में फेदर फॉलिंग 4, यस यही चाहिए। 26 की क्यों दे रहा है, 30 लेवल के एन्चेंटमेंट्स आनी चाहिए ना, ये 26 क्यों दिखा रहा है, 5, 11, 26 ऐसा क्यों, ये है तो पूरा ही ना, ऐसा तो नहीं कहीं इसकी वजह से दिखा रहा हो। अब देखते हैं, हाँ इसकी वजह से हो रहा था गाइस, शेट, तो यार इसमें अच्छे एन्चेंटमेंट मिल सकते थे। चलो कोई बात नहीं, फेदर फॉलिंग 4 दे रहा है, ये निकालते हैं। फेदर फॉलिंग 4 के साथ सिर्फ फेदर फॉलिंग 4 ही मिला है, कोई बात नहीं। डेप्थ हटा लो पहले, एक्को एफिनिटी दे रहा है, फायर प्रोटेक्शन दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, ये प्रोटेक्शन 4, यस यही चाहिए, प्रोटेक्शन 4। अरे यार सिर्फ यही भी मिल रहा है, अनब्रेकिंग वगैरह कुछ नहीं दे रहे ये लोग। रेस्पिरेशन और फायर प्रोटेक्शन, हमें और एक्सपी करनी पड़ेगी पहले, सॉर्ड में देखो, सॉर्ड में और क्या मिल रहा है हमें। अब शार्पनेस 3, नॉकबैक 1, नहीं यार आई थिंक एक्स में हमें और कुछ मिल सकता था, लेकिन हमने गलती से वहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा दी थी, उसके तो 26 लेवल के एन्चेंटमेंट्स मिल रहे थे। एक्स में अपने पास शार्पनेस 3 और एफिशिएंसी 3 है, डायमंड एक्स तो अपनी ओपी है ही है यार। चलो गाइस जल्दी से मैं और एक्सपी करके लाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से 5 मिनट में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस मैं घर आ गया था, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया दोबारा से, मैं घर आ चुका था। घर पे आकर के मैंने एन्चेंटमेंट्स लगाए, देखो हेलमेट में हमें मिला है रेस्पिरेशन 3,
प्रोडक्शन 3 एक्वायर एफिनिटी 1 और अनब्रेकिंग 3 बेस्ट है यू की। इसमें प्रोडक्शन 3 मिली हमें, इसमें अनब्रेकिंग 3 और शार्पनेस 3 मिली है और एक्स में से अनब्रेकिंग 3 मिली है। मैं सोच रहा हूँ, मैंने एक्स को डिसएन्चेंट करके दोबारा एन्चेंट किया था, इससे शायद अच्छा मिल जाए कुछ, बट नहीं मिला, सिर्फ अनब्रेकिंग 3 मिली है। मैं सोच रहा हूँ एक बार सॉल्ट को एक बार डिसएन्चेंट करके दोबारा एन्चेंट करके देखते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए, एक बार और एन्चेंट कर सकता हूँ मैं कुछ ना कुछ। चलो रख के देखते हैं, इसमें नॉकबैक 2 ही दे रहा है यार। चलो रख के देखते हैं सभी क्या मिलता है कुछ, और सिर्फ नॉकबैक 2 बेकार है यार सॉर्ड, सच में इससे अच्छा तो पहले वाली सॉर्ड बेटर थी ना, सिर्फ नॉकबैक 2 मिला है अपने को। इसको फिर डिसएन्चेंट करते देखते हैं अब क्या दे रहा है। लूटिंग 3, यस गाइस यही चाहिए, लूटिंग 3 चाहिए हमें, लूटिंग 3, यस यही चाहिए हमें। चलो गाइस ऐसा करते हैं, आज की वीडियो लंबी हो गई है, अपन बाकी का जो सारा सामान है उसको नेक्स्ट वीडियो में एन्चांट करेंगे। सामान क्या मतलब, सिर्फ सॉर्ट करनी है और अपने ये सब तो हो गया है एन्चांट, ठीक है, और अपना एक्स की एन्चांटमेंट हमें देखेंगे और कुछ बढ़िया मिलता है तो। चलो अब जल्दी से एक बार स्विच करते हैं सब चीज़ों को, जो भी हमारे पास आयरन का है उसको अब सब डायमंड का बनाते हैं अपन सबसे पहले तो। ये देखो गाइस, आगे बूट्स, चेस्ट प्लेट इसे हटा ऊपर, ये यहाँ पे लेगिंग्स और ये हेलमेट। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर ये, और एक्स तो अपनी है ही है वहाँ पे। यस गाइस एक मिनट हटने दो, अब से ना डायमंड आर्मर में अपना कैरेक्टर आ चुका है बिल्कुल मस्त। गाइस कमेंट बताना आपको कैसी लगी आज की वीडियो, बहुत मेहनत लगी और बहुत गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि अच्छी खासी एन्चांटमेंट्स भी चली गई। मुझे लगा था एन्चांटमेंट अच्छी मिल जाएंगी बट नहीं, कोई बात नहीं, बट अपन देख लेंगे दोबारा कर देंगे कुछ ना कुछ। वैसे भी अपने पास एक्सपी फार्म है, अपन जितनी भी चाहे उतनी एन्चांटमेंट्स कर सकते हैं, लैपिस भी अपने पास बहुत पड़ी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं नेदर में। यस गाइस हम जाएंगे नेदर में, नेदर को एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्या क्या मिलता है वहाँ पे। और हाँ गाइस मैं एक कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं अपना डायमंड आर्मर पहन करके नेदर जाऊँ या फिर अपना आयरन आर्मर पहन करके जाऊँ। अगर मैं आयरन आर्मर पहन करके गया तो मैं एक और आयरन आर्मर बनाऊँगा, उसको एन्चांट करूँगा जिससे कि उसमें और अच्छी और एन्चांटमेंट्स मिल जाएँ, फिर इन दोनों आयरन आर्मर्स को मिक्स करके तब पहन करके जाऊँगा मैं। और अगर डायमंड आर्मर पहन करके जाऊँ तो आप बताना कमेंट्स में कौन सा आर्मर पहन जाना चाहिए मुझे। और हाँ गाइस अपने वीडियो का लाइक टारगेट 20 लाइक्स, तो गाइस प्लीज़ लाइक टारगेट कंप्लीट करा देना, आपने पिछली वीडियो पर बहुत अच्छा प्यार दिया था, प्लीज़ इस वीडियो पर भी देना। और हम 1.5 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी 1.5 के सब्सक्राइबर्स पर पहुंचा दो। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना जिससे कि आपको ऐसी मस्त मस्त वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।